आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप ट्रेडिशनल वे में और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गाजर का हलवा बना सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। यहां पे मैंने 1 kg रेड वाला गाजर लिया हुआ है। अगर आपको रेड वाला गाजर मिले तो आप वही लीजिए, क्योंकि इससे जो हलवा होता है ना काफी टेस्टी बनता है। अब हम नाइफ से इसका जो स्किन है ना हल्का हल्का निकाल देंगे। अब हम इसे वॉश करके इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब हमने जो गाजर को ग्रेट किया हुआ था मेजरिंग कप से मेजर करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो मेजर करने के लिए आप कोई भी कटोरी या फिर ग्लास ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल गाजर जो है 4 कप है। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 1 मिनट तक ऐसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। चलिए इसको एक बार चला लेते हैं। अब हम इसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसे हम मिक्स कर लेंगे। चीनी डालते ही जो गाजर जो है ना अपना पानी रिलीज करेगा। अब हम पानी को खत्म हो जाने तक इसे कुक करेंगे। फ्लेम को हम बीच बीच में मीडियम और बीच बीच में हाई करते रहेंगे। अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे, यानी मिल्क। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे दूध के बिल्कुल एब्सॉर्ब हो जाने तक इसे कुक करेंगे। मेरे चैनल पर बिना गाजर घिसे हुए किस तरह से आप प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बना सकते हो, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जरूर चेकआउट करना। ये देखिए, दूध हमारा बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कुछ मिक्स नट्स ऐड करेंगे, जिसमें किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम मैंने ऐड किया हुआ चॉप करके। इसे मिक्स कर लेंगे। नट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। 1 कप मैं इसमें मावा ऐड करूंगी। मावा ऐड करने से इसका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है ना दोनों ही चेंज हो जाता है। ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये जो मावा है ना मैंने घर पे बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब मावा की मात्रा जो है ना आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म जो गाजर का हलवा है ना बनके रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग, कितना यम्मी और कितना डिलीशियस ये बना हुआ है। इन सर्दियों में आप इसे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।